हापुड़ कोतवाली के अंतर्गत सोमवार की सुबह एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और शव को गांव नगलवा के जंगल में फेंक दिया। कोविड में होने वाले ब्लड टेस्ट या कोई भी ब्लड टेस्ट घर बैठे कराएं हेल्दियंस लैब्स 8755333320। पुलिस ने महिला का शव बरामद कर पति को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्र ने बताया कि सोमवार को एक व्यक्ति ने 112 नंबर पर कॉल करके बताया कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या कर शव कहीं छिपा दिया है। आज प्रातः 112 नंबर पे एक व्यक्ति ने सूचना दिया कि कुछ लोगों ने उसकी पत्नी को मार दिया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची और उसने वेरीफाई किया, कॉलर को हिरासत में लेके पूछताछ किया तो उसने स्वीकार किया कि पारिवारिक कारणों से उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। पूछताछ जारी है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सूचना पर पुलिस गांव नंगोला के जंगल में पहुंची और इलाके की घेराबंदी करके 28 वर्षीय महिला का शव झाड़ियों से बरामद कर लिया। मौके पर ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव नंगोला का 30 वर्षीय सुशील कुमार खेतीबाड़ी का काम करता है। उसका विवाह 11 साल पहले गांव फरीदनगर की परमिता से हुआ था। परिवार में 3 बच्चे हैं। पारिवारिक कलह को लेकर सोमवार की सुबह सुशील ने किसी तेज धारदार हथियार से पत्नी की गला काट कर हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। खास बात यह है कि सुशील ने ही पत्नी की हत्या की सूचना 112 नंबर पर कॉल करके दी थी।